पाकिस्तान में आतंकवाद और उससे जुड़े संगठन तेजी से अपनी ताकत में इजाफा कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया ने बताया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP ने शुक्रवार को दावा किया कि बलूचिस्तान का एक आतंकवादी गुट इसमें शामिल हो गया है। एक मीडिया की ओर से TTP प्रवक्ता मोहम्मद खुरासानी की ओर से जारी एक बयान का हवाला देते हुए कहा गया, दक्षिणी बलूचिस्तान के मकरान जिले से अलगाववादी नेता मजार बलूच के नेतृत्व वाला उग्रवादी समूह TTP में शामिल हो गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बलूचिस्तान से TTP में शामिल होने वाला ये दूसरा आतंकी संगठन है। पिछले कुछ समय से आतंकी संगठनों का TTP में विलय होने का क्रम लगातार चल रहा है। इसके बाद अब TTP में शामिल होने वाले आतंकी गुटों की कुल संख्या बढ़कर 22 हो गई है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की मदद से सुलह की ये प्रक्रिया साल 2020 से शुरू की थी। इस सुलह प्रक्रिया के जरिए जमातुल अहरार सहित TTP से अलग हुए कई आतंकी गुट उसमें फिर से शामिल हो गए। रिपोर्ट में कहा गया कि हाल ही में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने सरकार के साथ अस्थिर संघर्ष विराम को समाप्त कर दिया। इसके साथ ही लड़ाकों को देश भर में हमले करने का आदेश दिया। आपको बता दें कि पाकिस्तान का प्रतिबंधित आतंकी ग्रुप TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में लगातार लाशें बिछा रहा है। प्रतिबंध के बावजूद ये लगातार सक्रिय होकर पाकिस्तानी हुकूमत को चुनौती दे रहा है। बीते दिनों ही एक पुलिस स्टेशन व एंटी टेररिस्ट सेंटर पर कब्जा इस संगठन ने कर लिया था। हालांकि इस काउंटर अटैक में सुरक्षा बलों ने कई दर्जन TTP आतंकियों को मार गिराया था। बताया जा रहा है कि अब TTP के साथ अन्य आतंकी संगठन आ रहे हैं ताकि मजबूत होकर आगे की रणनीति बना सके। तहरीक तालिबान पाकिस्तान 2007 में अस्तित्व में आया था। ये संगठन विभिन्न अलगाववादी संगठनों को एक साथ लाने के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद के दिनों में कोई खास सफलता नहीं मिली थी। हालांकि अब ये संगठन मजबूती से फिर से उभरा है। इसी के साथ तमाम खतरनाक अलगाववादी संगठन इसके साथ आने लगे हैं। इन संगठनों को साथ लाने के लिए सुलह कराने का काम अफगान के तालिबान कर रहे हैं। आतंकियों के साथ आ रहे छोटे समूहों में घातक जमातुल अहरार भी शामिल है। बीते दिनों TTP ने सरकार के साथ संघर्ष विराम के समझौते को तोड़ते हुए आतंकी हमले शुरू किए थे। बीते कुछ दिनों में TTP ने पाकिस्तान में कई बड़े हमले भी किए हैं। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कहना है कि देश किसी भी आतंकवादी संगठन के सामने नहीं झुकेगा। द न्यूज़ इंटरनेशनल ने बताया कि शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में अराजकता फैलाने की कोशिशों के बीच आतंकवाद से सख्ती से निपटा जाएगा। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।